कमांडो डिफेंस एकेडमी के इस प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ी बात तो आज खुशी की ये है कि तीन बच्चे चयनित हुए हैं क्या रेलवे में, और इससे पहले भी हुए या फर्स्ट है? 50 बच्चे आज से पहले चयन हो चुके हैं, तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले तो जीवराज सिंह जी को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर नई अलख जगाई है और आगे बच्चों का और भविष्य सुधारे, इसके लिए मैं आने वाले बच्चों को और जीवराज सिंह जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस प्रोग्राम में पधारे हुए मेरे स्नेही स्वजन, आप सभी लोग, सबका नाम लूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, सभी घर के सदस्य हो, एकेडमी परिवार के मेंबर हो। मुझे आज जीवराज सिंह जी ने सुबह फ़ोन किया कि भाई साहब तीन करनी थी, उन्होंने थोड़ा टाइम मेरे को लेट दिया तो मैं उसमें थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज अपने इस क्षेत्र के अंदर एक 465 इन्नी छत्तरगढ़ तहसील के अंदर जीवराज सिंह जी ने एक ये नई अलख जगाई है। आज से पहले क्या है कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो एक नॉर्मल से टीचर की तैयारी करवा ली, या कोई डॉक्टर की करवा ली, या कोई ग्राम सेवक की करवा ली, पटवारी करा ली, वो भी टीचर, ये बच्चे अपने लेवल पर ही तैयारी करते थे, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते थे, वो तो सीधे भेज देते थे बाहर भी, तेरे को जहाँ पढ़ना है वहाँ जा, गाइडलाइन अपने पास थी नहीं। मोटसरा जी गलत कह रहा हूँ क्या? अपने पास यहाँ पेरेंट्स के पास गाइडलाइन नहीं थी, क्योंकि बेचारे पेरेंट्स खुद ही पढ़े लिखे नहीं थे ना, ये किसान परिवार से सारे लोग बिलोंग करते हैं अपना क्षेत्र सारा, तो गाइडलाइन हमें भी नहीं मिली थी पढ़ने के लिए भी कौन से फील्ड में जाना है, तो पथ भ्रमित अपने बच्चे हो जाते थे। लेकिन आज ये एक लीक से हटकर जो पिछले 4-5 सालों से ये एकेडमी चला रहे हैं अपने क्षेत्र में, ये पहली एकेडमी है शायद इस पूरी तहसील में या विधानसभा क्षेत्र में, एक ही होनी होगी मेरे हिसाब से, तो ये एक बहुत ही अलग लीक से हटकर जो चीज़ है, जो भारतीय सेना में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स में जहाँ भी जाने का बच्चों को अवसर मिलता है, अपने ग्रामीण बच्चों में किसान परिवार के जो बच्चे हैं उनमें फिजिकल कैपेबिलिटी है और माइंड भी है, किसी तरह से अपनी प्रतिभाओं की तो कमी है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ क्रिएट होती है कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। अब ठीक है, मोटसरा जी ने कॉलेज भी खोल लिए, तो मोटसरा जी मैं भी आपसे एक यही निवेदन करूंगा कि आप भी यहाँ कॉलेज के साथ साथ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करें, ताकि इससे रीट है, नीट है या दूसरी कई एक्टिविटीज है, कई चीज़ें हैं, कई लाइन है, उन बच्चों को मिले, बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर जाना भी कई परिवारों के लिए, बच्चों को बाहर भेजना, जयपुर दिल्ली भेजना भी पॉसिबल नहीं है, तो वो सुविधाएं आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो आप दिल्ली का या जयपुर के जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी आप कोर्सेज यहीं पे अवेलेबल करा सकते हैं, कहाँ दिक्कत है, तो ये चीज़ आप लोग करवाएं। जैसे जीवराज सिंह जी ने सबसे बड़ी एक नई सौगात दी है इस क्षेत्र को, इसलिए मैं जीवराज सिंह जी का धन्यवाद हृदय तल की गहराइयों से कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य जो उज्ज्वल करने का ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी सही राम जी ने कही थी भी एक प्रोग्राम अपने यहाँ रखना चाहिए, तो सही राम जी प्रोग्राम आप रखो, डेट डिसाइड करो, और जो बच्चे 50 सिलेक्ट हो गए क्या आज तक डिफेंस एकेडमी में, आप उनको भी बुलाएं, यथासंभव जितने लोग आ सके उनको भी बुलाएं, उनको भी सम्मानित करें, ताकि क्या है कि दूसरे भी बच्चे इनको देख के और उनको एक मोटिवेशन मिले। मेरा यही निवेदन रहेगा, ये प्रोग्राम करें, मेरे से जितना सहयोग है मैं तैयार हूं, आपको पहले सहयोग दूंगा मैं, और ये प्रोग्राम आप करें, निश्चित रूप से करें, डेट और जगह तो यही ठीक है, और डेट डिसाइड कर लो, और मंडी के सभी व्यापारियों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी बुलाएं उस प्रोग्राम के अंदर, किसान समुदाय के जो अपने लोग हैं, ज्यादातर 90% यहाँ पे किसान समुदाय के लोग हैं, तो उनको यहाँ बुलाएं, ताकि वो भी मोटिवेट हो और अपने बच्चों को इस लाइन में भेजें। नहीं तो क्या है कि वो नॉर्मली 10वीं 12वीं तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद में कोई तो खेती में उसको बिठा देता है, कोई बिजनेस में डाल देता है, जैसे संजय जी चौटिया है आपके सामने, ये बड़ी प्रतिभा है लेकिन इनको बिजनेस में डाल दिया, ये आरएएस बनते, आईएएस बनते, लेकिन इनको बिजनेस में डाल दिया, अब यार एक आईएएस के लेवल के सामने बिजनेस क्या है, कुछ नहीं है। इस चीज को मैं भुगत रहा हूँ खुद, क्योंकि हमें सही लाइन नहीं मिली, गाइडलाइन नहीं मिली, मोटिवेशन नहीं मिला, इसलिए कम से कम अपन का तो समय निकल गया, लेकिन आने वाले बच्चों का भविष्य तो उज्ज्वल हो, तो मेरा यही निवेदन है कि इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और ये नई चीज जो अब जीवराज सिंह जी ने की है, और ये मोटसरा जी बैठे हैं, इनसे हम और ही नई चीज की उम्मीद रख रहे हैं। इन सभी शुभकामनाओं सहित मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूं, इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देवे, और कोई मेरे से गलती हो तो मुझे माफी देवे, धन्यवाद।